अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि यू ऑल विल बी गुड एंड फाइन। दिस इज अमजद मीर रिंद बलोच एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी इंटरनेट, मोबाइल्स, कंप्यूटर और अदर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर क्राइम्स, के साइबर क्राइम्स कौन से हैं और उनके एग्जांपल्स। वैसे अब देखा जाए दुनिया में, पाकिस्तान में स्पेशली और वर्ल्ड में भी, के साइबर क्राइम्स कॉमन हो गया है। तो जैसे कि कोविड-19 की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, थ्रू कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, तो लाइक वाइज के क्राइम भी ऐसे ही हो रहे हैं। तो आज डिस्कस करते हैं कि वो कौन से क्राइम है जो ऐसे हो रहे हैं। जो भी बंदे फेसबुक स्पेशली यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। टिल द एंड मस्ट वॉच, ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एज़ यू कुड गेट अवर लेटेस्ट एंड न्यू वीडियोस अबाउट द लॉ एंड अदर मोटिवेशनल सेशंस, लेक्चर्स। साइबर क्राइम के ऊपर चलते हैं कि साइबर क्राइम क्या है, व्हाट इज़ साइबर क्राइम। अच्छा, दोज क्राइम्स व्हिच आर कमिटेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नोन एज द साइबर क्राइम्स। ऐसे क्राइम जो कि इंटरनेट की हेल्प से कमिट किए जाते हैं, मोबाइल की हेल्प से कमिट किए जाते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से कमिट किए जाते हैं, या हमारे जो अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी हेल्प के थ्रू हम ये ऐसे क्राइम्स कमिट करते हैं। जो भी ऐसे क्राइम्स जो इन चीज़ों की हेल्प से कमिट किए जाएं तो उन्हें हम साइबर क्राइम्स कहते हैं। कोई ऐसा क्राइम हुआ जिसमें मोबाइल इन्वॉल्व थी, मोबाइल की हेल्प इन्वॉल्व थी, इट विल बी नोन एज द साइबर क्राइम। इंटरनेट की हेल्प और कंप्यूटर की हेल्प एंड जो भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी हेल्प की वजह से वो इस्तेमाल करके कोई भी क्राइम किया जाए तो हम उसे साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम में ये जस्ट नहीं होता कि किसी की डेटा लेना, किसी की इंफॉर्मेशन, ETC लाइक दैट, नो। इस साइबर क्राइम में किसी की जान भी जाती है, इस साइबर क्राइम में फिज़िकली भी किसी को लॉस मिलता है। डेटा से साथ साथ किसी को फिज़िकली भी बहुत सारे लॉसेस मिलते हैं, आते हैं इस साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि जो भी सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं टोटली उनके रिलेटेड है, नो। इसमें किसी बंदे की पर्सनल जो अपनी हेल्थ है उसको भी डैमेज किया जा सकता है एंड बंदों का मर्डर भी हो सकता है। एक टर्म है इसमें साइबर क्राइम में, साइबर टेररिज्म, जिसमें तो मतलब बहुत ही ख़तरनाक टर्म है। इसमें ऐसे करते हैं कि लोग प्लानिंग करके कभी कभी बड़े बड़े प्लान हाईजेक कर लेते हैं, बड़े बड़े बसेस यानी कि ऐसी चीज़ें हाईजेक करते हैं जहाँ पे मतलब लोगों का हुजूम होता है और वो हाईजेक करके कभी कभी क्रैश भी करवा देते हैं, एक्सीडेंट भी करवा देते हैं। ये सारी चीज़ें भी साइबर क्राइम में आती हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। सबसे पहला जो एग्जांपल है, स्पेशली जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं उनके लिए एग्जांपल है कि यूजिंग समवन एल्स आइडेंटिफिकेशन, किसी भी दूसरे बंदे की आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल करना, दिस इज़ द साइबर क्राइम। कैसे? अगर एक बंदा है, किसी दूसरे बंदे के फेसबुक अकाउंट से उसकी पिक्चर ले लेता है, उसका नेम, ETC लाइक दैट, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसके अकाउंट में लिखी हुई है फेसबुक में, वो वहीं से लेकर एक दूसरी आईडी बना लेता है और वही बंदा जो ओरिजिनल ओनर था आईडी का, दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है, उसके फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करा, ये वो लाइक दैट, दिस इज़ ऑल्सो द साइबर क्राइम। ये एक साइबर क्राइम है।
बहुत सारे एग्जांपल्स में स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट एनीवन, किसी भी दूसरे बंदे के खिलाफ कोई भी ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी खबर चलाना, दिस इज़ द साइबर क्राइम। ऐसे जस्ट आप देखते हैं कि भाई फेसबुक पे एक न्यूज़ आ गई है, आपने विदाउट गेटिंग लेट वहीं से वो न्यूज़ लेकर अपने वॉल पे लगा दी, अपने टाइमलाइन में लगा दी, और आपने ये जाना भी नहीं कि आइधर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, और आपने जस्ट अपलोड कर दी एंड इन द रिज़ल्ट दैट वाज द नॉट ट्रू। तो इस कंडीशन में भी यू कमिटेड द साइबर क्राइम, इसमें भी आपने ये साइबर क्राइम कमिट किया। और किसी भी बंदे की पिक्चर्स वायरल करना, किसी भी बंदे की वीडियोस एंड पिक्चर्स अपलोड करना उसके कंसेंट के सिवा, उसकी रजामंदी के सिवा, उसके पिक्चर्स अपलोड कर देना या किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर कर देना, ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं। और साइबर क्राइम में ये चीज़ भी आती है कि किसी एक बंदे का पिक्चर लेके उसका जो फेस है वो चेंज करके, फेस उसका ये लगा के और नीचे वाली जो बॉडी है वो किसी दूसरे की लगा लेना, कोई ऐसी इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स किसी दूसरे बंदे की बना देना, ये भी साइबर क्राइम में आता है। जैसे कि अक्सर होता है इंटरनेट में मोबाइल्स यूज़ करते वक्त। और उसके बाद पाकिस्तान यानी कि किसी भी कंट्री के अगेंस्ट ऐसी चीज़ पोस्ट करना, अपलोड करना जो कि किसी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, कंट्री के अगेंस्ट हो, ऐसा कुछ मटेरियल शेयर करना, दिस इज़ आल्सो द साइबर क्राइम, ये भी साइबर क्राइम के एक्ट में आता है। और उसके बाद है हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है कि किसी आप दूसरे बंदे के अकाउंट्स हैक कर लेना, उसकी डेटा ले लेना, उनकी डेटा में इंटरफेयर कर लेना, और बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं जो भी सोशल मीडिया पे, उनको हाईजैक करना, उनको यूज़ करना विदाउट द कंसेंट, ये भी साइबर क्राइम में आता है। और उसके बाद आता है हाँ किसी भी दूसरे बंदे की वीडियोस बनाना, उसकी पिक्चर्स बनाना और उसके कंसेंट के सिवा किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करना, कहीं पे भी शेयर करना, ये भी साइबर क्राइम में आता है। और थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूजिंग इंटरनेट, थ्रू यूजिंग मोबाइल्स किसी भी दूसरे बंदे को ब्लैकमेल करना, उसको परेशान करना, दिस इज़ आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द साइबर क्राइम, ये भी साइबर क्राइम में आता है। और किसी भी दूसरे बंदे को ऐसे मैसेजेस करना, ऐसे टेक्स्ट करना, जैसे ही वो बंदा वो टेक्स्ट अपनी मोबाइल में कंप्यूटर में इंस्टॉल करेगा या ओपन करेगा तो वहीं पे ऑटोमेटिकली कोई ऐसा वायरस आ जाएगा जिसकी वजह से उसका सारा सिस्टम प्रोग्रामिंग करप्ट हो जाएगी एंड मतलब सिस्टम में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, ये भी एक साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आता है, दिस इज़ द साइबर क्राइम। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं साइबर क्राइम की, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं साइबर क्राइम के। किसी भी बंदे की हेल्प करना, जस्ट सपोज़ ए जेड को मारना चाहता है, ठीक है, और ए को पता नहीं है कि जेड कहाँ है, लेकिन एक्स ने जेड को देखा है और उसने फ़ौरन कॉल की ए को कि भाई ये फलां बंदा जिसको आप मारना चाहते वो तो यहीं पे खड़ा है, और वहीं पे आके वो बंदा उसको मर्डर कर दे, दिस इज़ आल्सो द साइबर क्राइम, ये भी साइबर क्राइम में आता है। फ़ोन पे किसी को थ्रेट्स देना, कॉल पे किसी को थ्रेट्स देना, ये भी सारी चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं। ये इट इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द साइबर क्राइम। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में साइबर क्राइम के जो भी क्राइम्स होते हैं उनकी पनिशमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये भी जो भी सारे क्राइम्स हैं इनकी सब की जो भी पनिशमेंट है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में दी गई है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था अबाउट द साइबर क्राइम्स, और इस्पेशली ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया से अवॉइड करें। आप कभी भी अपनी पिक्चर्स ऐसे वायरल ना करें, अपने अकाउंट्स को प्राइवेसी लगा के सेव करके रखें, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि अकाउंट हैक कर लेते हैं, और कभी भी कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन कभी भी अपने टाइमलाइन में अपलोड मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बंदे कोई ना कोई न्यूज़ चला लेते हैं और हम देखते भी नहीं कि यार आइधर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, और बस अपलोड कर देते हैं,
किसी के ऊपर स्टेटमेंट लिख देना, गलत स्टेटमेंट लिख देना, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द साइबर क्राइम्स। किसी भी बंदे की रेस्पेक्ट को डैमेज करना, उसकी रेपुटेशन को डैमेज करना, उसके कैरेक्टर पे कोई ऐसा कुछ लिख देना सोशल मीडिया पे जिसकी वजह से किसी दूसरे बंदे के कैरेक्टर पे इफ़ेक्ट हो, तो ये भी एक साइबर क्राइम में आता है। मींस के ऑल दोज ऑफेंसेस, दोज क्राइम्स विच आर बीइंग कमिटेड विद द हेल्प ऑफ मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट और अदर नेटवर्क्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नोन एज द साइबर क्राइम्स। And inshallah, in next video, we will discuss about the punishments, about the cyber crimes. And thank you very much. If there is any kind of the questions, you may ask. And please subscribe our channel and keep watching our videos. Thank you very much. Inshallah, we'll be meeting again next videos.